मेरी ये पहली कोरियन वेब सीरीज़ है। वैसे मुझे जैपनीज़ सीरीज़ बहुत पसंद आती है। शायद यही रीज़न था कि मैं इस सीरीज़ के प्रति अट्रैक्ट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ रिच मैन की। इस सीरीज़ के अंदर टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड की जो लेंथ है वो 1 घंटे के करीब है, यानी 16 घंटे के एपिसोड हैं। ये सीरीज़ कहाँ देखने को मिलेगी, फ्री है या पेड है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी पहले इसकी कहानी की बात करते हैं। इसमें एक लड़का है जिसका नाम लियू चैन है, जो 29 साल का है, और उसकी एक खुद की कंपनी है नेक्स्ट टीन नाम से, और जो गेम बनाती है उसका वो सीईओ है, यानी लोंडा अमीर है। जब लियू चैन 6 साल का था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी किसी पार्क में। तब से उसे एक डिजीज़, यानी एक बीमारी हो जाती है, बड़ी ही अजीब बीमारी होती है कि ये किसी का फेस याद नहीं रख पाता। उसको पता नहीं, जो उसके सामने धुंधला ही एक तस्वीर रहती है उस फेस के। तो सबसे पहले जब भी कोई इससे मिलता है तो अपना नाम बताता है, तब वो नाम से याद रख पाता है। सिर्फ और सिर्फ उसे चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है। तो जब ये बीमारी इसको लगती है, फिर उसके बाद ये बीमारी और ज़्यादा गहरी होती है। तब इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है, वो इसको छोड़ के चली जाती है। सारे छोड़ के चले जा रहे हैं, लोंडा अमीर है। तब से लियू चैन चिड़चिड़ा हो जाता है, अकड़ू हो जाता है और अपने इम्प्लॉयज़ पे इतना कठोर होता है। ये हर महीने जिसकी परफॉर्मेंस कम रही उसको वो कंपनी से लात मार के निकाल देता है। नेक्स्ट इन की कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है जिसका नाम है मिन ताइजू, जो इसका फ्रेंड है, इकलौता फ्रेंड है, गहरा दोस्त है। इन दोनों ने ही मिल के ये कंपनी शुरू की हुई होती है। इसका नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हर करेक्टर इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम है किम बोरा, जो बहुत खुश मिजाजी है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी है, मोटिवेशन मोटिवेटेड रहती है हर वक्त। तो वो अभी जॉब ढूंढ रही है, 29 इंटरव्यू दे चुकी है, 30वां इंटरव्यू देने की वो तैयारी कर रही होती है, कोई भी कंपनी जो उसे मिल जाए। तो एक इंसिडेंट होता है जिससे वो वाइस प्रेसिडेंट, जो नेक्स्ट इन का जो वाइस प्रेसिडेंट है मिन ताइजू, उससे वो मिलती है, बाई चांस मिलती है, और मिन ताइजू उसे नेक्स्ट इन कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुला लेता है, और यहीं वो लियू चैन से मिलती है। ये एक लव स्टोरी है लियू चैन की और किम बोरा की। किम बोरा पहले से ही लियू चैन के बारे में जानती है और उसकी प्रेमिका किम बुन होंग उसको भी जानती है। सच कहूँ 16 एपिसोड देखोगे आपको भी नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। वैसे मुझे लव स्टोरी इतनी पसंद नहीं आती, लेकिन अगर उसे अच्छे से पेश किया जाए, खूबसूरती के साथ, एक सिस्टमेटिक वे के साथ अगर उसे पेश किया जाए, तो बेशक मैं उसे पसंद कर सकता हूँ और मेरी फेवरेट भी बन सकती है। और ऐसा ही इस वेब सीरीज़ के साथ हुआ। इसे बहुत सुंदर तरीके से रखा गया और जो मुझे बहुत पसंद आई, केवल इसमें लव स्टोरी ही नहीं, इसके अलावा स्ट्रगल, फ्रेंडशिप और सोशल मैसेज के ऊपर भी बहुत ध्यान रखा गया है। इस वेब सीरीज़ में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि वेब सीरीज़ में दिखाया जाता है, बहुत सारी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि प्यार ना ऐसे चुटकी बजाते ही हो जाते हैं, वन साइडेड लव, देखते ही प्यार, वन टाइम मतलब पहली नज़र का प्यार होता है, कि बिना ये जाने कि सामने वाला लड़का या लड़की सिंगल है या मैरिड है, उसके प्रेमिका या प्रेमी है या नहीं है, या फिर लेस्बियन या गे तो नहीं है, बस वो सो कॉल्ड पहली नज़र का प्यार हो जाता है उनको। तो इन सब चीज़ों को ये वेब सीरीज़ साइड में रखती है। इस वेब सीरीज़ में बड़ी खूबसूरती की बात है कि प्यार होने में टाइम लगता है और उस टाइम को इस वेब सीरीज़ में दिया गया है। ये सीरीज़ केवल लियू चैन और किम बोरा के ऊपर ही नहीं कि हर टाइम उनके ऊपर फोकस है, ये बहुत सारे करेक्टर्स हैं, उनकी भी स्टोरी साथ ही साथ बदलाती है। और अगर आपको पता हो तो कोरियन जो सॉन्ग होते हैं उनके अंदर डेप्थ मीनिंग होते हैं, यानी गहरी बातें उनके अंदर छुपी होती हैं। ऐसा ही कुछ इसके अंदर भी है। अपनी बात को ये बहुत ही प्यार से रखती है और समझा भी देती है। इस सीरीज़ में किम बोरा और लियू चैन के जो प्यार को बड़े ही सहज रूप से रखा गया है, आप ना चाहते हो भी इससे कनेक्ट हो पाएंगे। एक्टिंग के मामले में ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। हर करेक्टर को पूरा टाइम दिया गया है उसे ढलने में, और वो ढला भी है, यही खूबसूरती है इसकी। यानी कोई करेक्टर ऐसे चुटकी बजाने में चेंज नहीं हुआ, उसको पूरा टाइम दिया, उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए वो इसको दिखाया गया है इसके अंदर। जैसे लियू चैन की जो बीमारी है वो फेस को ना पहचानने की, वो धीरे धीरे ठीक होती है, उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है, ये सब देख के एक सुकून मिलता है इस वेब सीरीज़ को। रिच मैन में हर करेक्टर किसी ना किसी पास से एक दूसरे से कनेक्ट है। धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है वो पास्ट भी खुलने लगता है। हर बात बताना इस सीरीज़ की बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 16 घंटे की वेब सीरीज़ को अगर मैं 5 या 10 मिनट की एक वीडियो में
डालने की कोशिश करूँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर रहेगा कि आप लोग ये वेब सीरीज़ ज़रूर जाके देखें। एमएक्स प्लेयर पे आपको ये वेब सीरीज़ मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड चार्जेस कोई कुछ भी नहीं देने है इसका। तो एमएक्स प्लेयर पे ये अवेलेबल है रिच मैन के नाम से। लेकिन मैं एक छोटा सा वाक्य ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ जो मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। एक पेंटर है इस सीरीज़ में, एक स्टोरी भी चलती है एक साथ में, एक पेंटर है, बहुत मामूली सा पेंटर है, सड़क पे वो पेंटिंग बनाता है लोगों की, और वो पेंटिंग बनाकर 1,000 रुपये में वो पेंटिंग भेज देते हैं। उसमें रुपयों की बात हुई है, करेंसी इंडियन ही, क्योंकि हिंदी में है तो रुपये ही बोलेंगे। तो 1,000 रुपये में वो अपनी पेंटिंग बेचता रहता है। मामूली सा लड़का है, काफ़ी टाइम से पेंटिंग करता आ रहा है। एक टाइम आता है कि एक फेमस पेंटर इसके पास आते हैं, इससे कुछ पेंटिंग लेता है, वो खरीदता है, 10 पेंटिंग खरीदता है। ये लड़का अपनी 10 पेंटिंग, हर पेंटिंग को 70,000 रुपये में इसको बेच देता है उस फेमस पेंटर को। वो फेमस पेंटर पूरे कोरिया में फेमस है, और वो फेमस पेंटर ये पेंटिंग ले जाके, 10 पेंटिंग ले जाके अपनी एक आर्ट गैलरी में लगाता है, और हर पेंटिंग को 50 लाख में बेचता है। ये लड़का अपनी किस्मत को बहुत मानता है। इसकी किस्मत ने इसको इतने दुख दिए होते हैं कि ये मान के बैठा हुआ होता है कि अब सिर्फ और सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, ये किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देने वाली। तो एक इस चीज़ को मानते हुए वो कंटिन्यूसली, इसके चेहरे पे वो उदासी है, इसको किसी चीज़ से कोई उम्मीद नहीं है। तो एक टाइम आता है कि एक लड़की इससे मिलती है जिसका नाम होता है मिन तायरा, जो एक आर्ट गैलरी चलाती है, और साथ ही साथ वो बहुत बड़ी कंपनी के एक सीईओ की, यानी उसकी एक मालिक की वो बेटी होती है, यानी पैसा बहुत है इसके पास। तो मिन तायरा के पास एक चीज़ ये होती है कि वो किसी के आर्ट को पहचान लेती है, बहुत बारीकी से वो पहचान लेती है। तो वो इस लड़के को देखती है और इस लड़के से इसकी पेंटिंग के बारे में पूछती है, और इसकी पेंटिंग उसे बहुत पसंद आती है मिन तायरा को। तो मिन तायरा इसे एक ऑफ़र भी करती है कि क्यों ना वो मेरे लिए, मतलब किम तायरा की, उसके साथ काम करे, उसे पेंटिंग बना के दे। 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में इसको गाड़ी दी जाएगी, इसको घर दिया जाएगा, हर चीज़ का खर्चा रखा ध्यान रखा जाएगा, ये लड़की देगी। साथ ही साथ जब भी, जब ये फेमस हो जाएगा तो इसकी पेंटिंग्स में जो भी पैसे आने स्टार्ट होंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड होंगे, 70% लड़की के होंगे और 30% लड़के के होंगे। बहुत अच्छा इसको एक डील दी जाती है, और साथ ही साथ उसमें 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि आज से वो लड़का और वो लड़की दोनों हस्बैंड और वाइफ है। अब इस लड़के के सामने वो किस्मत पलट चुकी थी जो पहले कभी इसको दर्द देती थी, आज वो अपनी बाहें फैलाकर इसके सामने खड़ी है। बस एक साइन की ज़रूरत थी कि साइन करे और उस किस्मत को गले लगा ले। लेकिन ये लड़का साइन नहीं करता उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जब उससे पूछा जाता है कि क्या कमी रह गई इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्या पसंद नहीं आया इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो एक लड़का ये बोलता है कि मेरी किस्मत ने आज तक मुझे दर्द ही दिए हैं, मुझे दुख ही दिया है, और मुझे डर लगता है कि कहीं अब बिगड़ ना जाए चीज़ें। अच्छी हो रही थी, एकदम से कोई चीज़ उसके सामने आई थी, तो अब उसको लग रहा था कि अगर एकदम से कोई चीज़ मेरे सामने आ रही है तो वो चीज़ बिगड़ ना जाए, तो उसे वो डर लग रहा था। तो कहता कि आज मेरे पास वो मौका मिला है, वो मौका मुझे आया अपनी किस्मत को अपने हाथों से बिगाड़ने का। मतलब कि वो किस्मत को अपने हाथों से बिगाड़ कर अपनी वो अपना वो डर वो ख़त्म कर रहा था। देखो मुझे ये बात बहुत पसंद आई, शायद आप लोगों को कितनी पसंद आई या नहीं आई मैं नहीं जानता, शायद आप ये सीरीज़ देखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें और क्लियर होंगी। वो चीज़ मैं उतनी समझा नहीं पाया या फिर उतना माहौल में क्रिएट यहाँ नहीं कर पाया, एक बताने का और देखने का बहुत डिफरेंट होता है। आप जाके देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगी, तो प्लीज़ जाके देखो, बहुत प्यारी सीरीज़ मुझे लगी। मे भी शायद आने वाले टाइम में और कोरियन वेब सीरीज़ मुझे देखूँ तो इससे भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मुझे बहुत अच्छी लगी। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे देखने में, 16 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है, मैं सो नहीं पाया था जब ये सीरीज़ कंप्लीट जब तक ना हो पाए, मतलब 16 घंटे लगातार नहीं, 2 दिन में मैंने ये देखी। खैर आप भी जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आज के लिए इतने था। जय हिंद।